फंगस लगता है तो सब कुछ गला देता है, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं तेज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। आई होप आप अपना, अपनी फैमिली का और अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम ग्रो करेंगे एलिफेंट ईयर के बल्ब को। और एलिफेंट ईयर के बल्ब्स ऐसे होते हैं दिखने में, तो आप इनको कैसे भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसे लिटा कर भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं, इनको किसी भी एंगल में आप ग्रो कर सकते हैं। और इनको ग्रो करने के लिए मैं बालू मिट्टी का यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र मैंने ऐड नहीं किया है। तो हम इनको ग्रो करते हैं। इनको ग्रो करने के लिए आपको इन्हें सोइल में 1 इंच तक दबाना पड़ेगा। इनको आप ज़्यादा गहराई में न दबाएं। बल्ब लगाने के बाद हम पानी देंगे। तो हमने बल्ब को ग्रो कर दिया है और देखते हैं इनकी शूटिंग्स और रूटिंग्स कब तक स्टार्ट होती है। आप मेरे साथ बने रहिए और ये सोइल से थोड़े ऊपर भी बने रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जल्दी ही यहाँ से अपनी शूट्स निकाल देंगे, क्योंकि इनके निचले वाला जो एरिया है वो सोइल में दबा हुआ है। आप एलिफेंट ईयर के बल्ब को गर्मियों में ग्रो कर सकते हैं, और इनको ग्रो होने के लिए गर्मी और ह्यूमिडिटी दोनों चाहिए। आप इनको इंडोर तो रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ब्राइट लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और ये ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट होता है इसलिए ये ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता, बर्न होने लग जाएगा ये। 32 दिन बाद हमने एलिफेंट ईयर के बल्ब्स लगाए थे 32 दिन पहले, और हमारे एक पॉट के अंदर अच्छे से ग्रोथ हो रही है एलिफेंट ईयर के प्लांट की, और हमने एक सेकंड पॉट में लगाया था एलिफेंट ईयर का बल्ब, वो ग्रो में भी आ गया था लेकिन ये अब ख़राब हो चुका है क्योंकि इसमें फंगस लग गया था। अब फंगस लगने के बहुत से कारण हो सकते हैं, हम पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि इसमें किस तरह से फंगस लगा होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है मौसम पर। हमने इस प्लांट की बहुत केयर की थी और इसको एकदम ब्राइट लाइट में भी रखा था, इसमें कम पानी दिया था हमने, ये देखिए यहाँ से इसकी ग्रोथ स्टार्ट भी हो चुकी थी, लेकिन जब फंगस लगता है तो पूरे प्लांट को ही ख़राब कर देता है, और हमारा ये बल्ब अब ख़राब हो चुका है, अब ये ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि जब फंगस लगता है तो सब कुछ गला देता है, ये देखिए।
फंगस प्लांट में कभी भी लग सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते कि फंगस कैसे लगेगा और क्यों लगेगा। ये देखिए इस बल्ब की हालत क्या हो गई है। तो इसको हम हटा देते हैं। हमारे फर्स्ट वाले पॉट की काफ़ी अच्छे से ग्रोथ चल रही है। ये मैंने लगाया था 4 इंच के पॉट के अंदर और उसी दिन मैंने ये 12 इंच के पॉट के अंदर एक बल्ब लगाया था। इसकी आप ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छे से चल रही है। ये देखिए और इसकी रूट भी यहाँ पर ऊपर तक निकल रही हैं। अगर आप एलिफेंट ईयर को बड़ा पॉट देंगे तो वो बहुत ही जल्दी और बेहतर तरीके से ग्रोथ करेगा और अगर आप छोटा पॉट देंगे तो वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। अब हमें कुछ टाइम के बाद में इस प्लांट को इससे बाहर निकालना होगा और ये आप नीचे भी देख सकते हैं इसकी रूट्स बाहर आ रही है। तो आप एलिफेंट ईयर को ग्रो बैग में ग्रो करें क्योंकि ग्रो बैग के अंदर काफ़ी स्पेस होता है और काफ़ी मिट्टी भी होती है उसके अंदर, तो एलिफेंट ईयर काफ़ी अच्छा और बेहतर तरीके से ग्रो करेगा। एलिफेंट ईयर को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत रहती है। ये सेमी इंडोर प्लांट है, ना तो ये फुल्ली आउटडोर प्लांट है और ना ही इंडोर प्लांट है। इसको ब्राइट लाइट भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए, तभी सर्वाइव करता ही रहता है। और इसमें एक ही बीमारी लगती है, वो है फंगस की। फंगस की चपेट में बहुत जल्दी आ जाता है। अभी आपने देखा ही था वो बल्ब जिसमें फंगस लग गया था, उसकी बहुत बुरी हालत हुई है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।